राजधानी में हजारों पीएफ धारकों ने अब तक अपना ई नॉमिनेशन नहीं भरा है। इस बाबत स्थानीय स्तर पर भी पीएफ कार्यालय एडवाइजरी जारी कर दी गई है केंद्रीय भविष्य निधि संगठन ने अब इसको लेकर कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक का समय दिया है इस तारीख पर ई नॉमिनेशन नहीं कराने वाले खाता धारकों को आने वाले समय में कई सारी समस्याएं सामने आएंगी सूत्रों की माने तो नागपुर में हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ई नॉमिनेशन नहीं भरा है ऐसे में अब उनके पास केवल एक दिन का ही समय है अगर एक दिन में ई नॉमिनेशन नहीं है ई नॉमिनेशन नहीं भरने वालों में सबसे ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों मजदूर वर्ग के लोगों की कराते हैं तो कर्मचारियों को आने वाले समय में पीएफ को लेकर काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है कैमरा पर्सन राजकुआ मोहर के साथ अभिषेक पांसी बीसीएन न्यूज नागपुर